जीनीश पटेल के दर्शकों को नमस्कार और बताना चाहेंगे कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का हाल और रेलवे कॉलोनी का हाल, बिजली और पानी की समस्या स्टेशन पर बनी हुई है दोस्तों, और इसके चलते यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ रेलवे कॉलोनी में लाइट की समस्या बनी हुई है, वहाँ भी अंधेरा रहता है। रेलवे स्टेशन पर भी कई बार ट्रेनें आने के बाद भी लाइटें नहीं आती है। आइए मालूम करते हैं क्या मामला है। तो सर रेलवे स्टेशन पे आप देख रहे हो, जितने भी ये हैं पानी, इस पर पानी है ही नहीं, पानी आ ही नहीं रहा। और जानना चाहेंगे यहाँ पे पानी पानी सर कब तक, कितने दिन हो गए पानी को? ये हो गए साहब कम से कम एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से रेलवे स्टेशन पे पानी नहीं है, नहीं है। और यहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था सर? लाइट की जैसे जब चली जाती है आती नहीं है, दोपहर में बिल्कुल ही चली जाती है। और अभी वाटर कूलर भी सारे खराब पड़े हैं, सारे बिल्कुल लॉक है। एक ही वाटर कूलर चल रहा है पूरे रेलवे स्टेशन, चल रहा है नंबर दो का। और कितने वाटर कूलर हैं यहाँ पर? यहाँ पे है कम से कम चार है, चार वाटर कूलर है आप देख रहे हो। और ये नलों में बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पर, और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और स्टेशन पर भी लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। आप देख रहे हैं दोस्तों गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन, और होने को बड़ा स्टेशन है गंगापुर सिटी का, लेकिन पानी की समस्या बराबर बनी हुई है यहाँ पर, पानी की और लाइट की। स्टेशन पे भी लाइट से परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है और यात्री भी परेशान है। लाइट में बिल्कुल अंधेरा रहता है और गर्मी का मौसम है, और जो क्वार्टर बने हुए हैं उनमें भी परेशानी है, और ऑफिस में भी लाइट की समस्या का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पे क्या पानी की क्या समस्या है? दिन भर पानी नहीं आता नलों में बिल्कुल भी, कोई भी स्टेशन पे पानी में पूरे नलों में कोई पानी नहीं। और लाइट भी की और लाइट की भी समस्या, पंखा खराब पड़े है सर। लाइट स्टेशन पे बहुत ही कम आ रही है नाम मात्र की, रात को नहीं आती है, रात को नहीं आती है, ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है, लाइट को नहीं आती। और एक मिनट भैया, और रेलवे कॉलोनी में भी लाइट की बहुत समस्या बनी हुई है। हाँ रेलवे कॉलोनी में लाइट की बहुत समस्या है। देख रहे दोस्तों गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन पर पानी बिल्कुल समस्या है, पानी की समस्या बनी हुई है और बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है यहाँ पर। दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख लो ये पानी बिल्कुल हम दबा रहे हैं और पानी बिल्कुल ये हवाई फेंक रहा खाली। और दूसरा ये नल है, इसको भी इसकी भी हालत दिखाना चाहेंगे आपके लिए। इसमें भी देख सकते हो आप बराबर पानी नहीं है।
सर हम जानना चाहेंगे रेलवे स्टेशन पर पानी की बहुत समस्या बनी हुई है, पानी कोई किसी नल में भी पानी नहीं है। नहीं आप आपसे भी तो लोग कहते हैं पानी बिल्कुल भी हमने देखा है, और लाइट की भी समस्या बनी हुई है आसपास यहाँ पर, लाइट की भी समस्या कब आती है कब जाती है कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं कब आती है कब जाती है, दिन में कोई पानी देखना दोस्तों लाइट की भी समस्या है और यहाँ पर पानी की भी समस्या बनी हुई है। गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको ये लाइव, और यहाँ पर पानी की समस्या और बिजली की समस्या बराबर बनी हुई है, और ये सफाई कर्मचारियों से जाना चाहेंगे पानी की समस्या बहुत बनी हुई है रेलवे स्टेशन पे, क्या बात है। हाँ ये वाटर कूलर भी बंद है, वाटर कूलर बंद है। दोस्तों गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन दिखा रहे हैं हम आपको लाइव, यहाँ पर पानी की समस्या बराबर बनी हुई है, पानी नलों में नहीं है पानी, और बिजली की भी समस्या रेलवे कॉलोनी और स्टेशन पर भी बराबर बनी हुई है। लाइट आती है यहाँ पर स्टेशन पर लाइट की क्या? हाँ चल रही है भाई साहब, आ रही है बराबर। और पानी? पानी भी चल रहा है। पानी मास्क तो लगा लेना हमारा आज। पानी यहाँ पर, पानी रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ही क्या ऊपर है इस पर एक ही नलों में, और बाकी सब बंद पड़े हुए हैं यहाँ पर, चल रहे हैं तो कभी कभी तो बंद हो ही जाते हैं सुबह तो बंद ही से सभी यहाँ पर एक पानी गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बराबर पानी और बिजली की समस्या बनी हुई है, पानी एक ही नलों में आ रहा है, पानी बिल्कुल भी स्टेशन पर नहीं है, एक नल को सिवा छोड़कर आप देख रहे हैं सामने काफ़ी रेलवे रहा की तरफ से ये लगे हुए हैं, लेकिन पानी नाम मात्र को भी नहीं है हम, और बिजली की भी रेलवे स्टेशन पर आँख मिशोनी बनी हुई है यहाँ पर, और रेलवे क्वार्टर में लाइट बराबर नहीं है, रेलवे क्वार्टर में दोस्तों गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन से हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक ही नलकूप बना हुआ है खाली, बस इसमें पूरे रेलवे स्टेशन पर सिर्फ मात्र ये चालू, और बाकी के पार्टर पानी की कम है, और रेलवे कॉलोनी में जैसे कि लोगों ने बताया लाइट की समस्या रेलवे स्टेशन पर ही नहीं पूरे कॉलोनी में भी, रेलवे क्वार्टर में भी बनी हुई है, रेलवे कॉलोनी में बनी हुई है, और पूरे गंगापुर में कब लाइट आ जाए कब चली जाए कोई पता ही नहीं। और एक बार और जानकारी दे देते हैं रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से, रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से कौन कौन सी गाड़ी चल रही है, कौन कौन सी नहीं चल रही, और हम आपको आपको बराबर जानकारी देंगे। सर गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से कौन सी गाड़ी चल रही है? गंगापुर रेलवे स्टेशन से प्रातःकालीन में पश्चिम एक्सप्रेस, जनशताब्दी और वीकली गाड़ियों में आजिमाबाद चल रही है, और मेल चल रहा है अपने स्वर्ण मंदिर मेल का टाइम चेंज कर रहे हैं सर, क्या टाइम? उसका एक टाइम तो अपने सुबह 9 बजे के करीब हो रहा है जी। और एक का करीबन आपके हो रहा है 7:45 बजे।
कौन 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 सी चले सर अभी? और कोई गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ तो कोई चलाने की सूचना है नहीं अभी। और सर टिकट लेने की प्रक्रिया वही आरक्षित कराने की? टिकट के लिए वही रिजर्वेशन, एकदम पूर्व रिजर्वेशन करने की सुविधा। सर कोई लोकल गाड़ी चलने की कोई सर? अभी कोई मैसेज नहीं है लोकल गाड़ियों का। ठीक है दोस्तों, गंगापुरी रेलवे स्टेशन से हम आपको जानकारी दे रहे थे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।